नेम इज ऐश्वर्या। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आयुर्वेदिक सोप कैसे बनाते हैं। ये बहुत सस्ता और इजीली घर पे बन जाएगा, तो इसके लिए बहुत कम सामान लगेगा जो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले चाहिए सोप, ये ग्रीसलिन सोप है, आप कौन सा भी सोप ले सकते हैं, मैंने ये वाला लिया है। इसके बाद हमें चाहिए नीम की पत्तियां, फिर टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है और बॉडी के लिए भी। इसके बाद हमें चाहिए लेमन और फिर एलोवेरा, ये आपको कहाँ भी और इजीली मिल जाएगा, कोई भी छोटे से कंटेनर ले सकते हो। मैंने यहाँ क्ले के और ऐसे छोटे छोटे डब्बे ले लिए हैं, और आप आइसक्रीम के भी डब्बे ले सकते हो, ये तो सबके ही घर पे रहते हैं। और फिर एलोवेरा भी चाहिए, और इसके बाद हमें चाहिए वैसलीन, और फिर इसके बाद हम ग्रेटर लेंगे, कोई भी ग्रेटर चलेगा, और फिर ग्रीसलिन सोप को ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ सोप ग्रेट हो गया है और ये बहुत इजीली ग्रेट भी हो जाएगा। और ग्रीसलिन सोप बहुत ही सॉफ्ट रहता है, जिससे आप इजीली कट भी कर सकते हो और ग्रेट भी कर सकते हो। और आप ज्यादातर ग्रीसलिन सोप से ही ये ग्रेट कीजिए, क्योंकि वो भी आप जब सोप के सब सोप बनाने के सारे स्टेप्स करेंगे और उसके लिए बहुत ज्यादा सामान लगेगा, इसलिए इजी तरीका है कि आप सोप ले लो। तो ये सोप ग्रेट हो गया है, तो इसके बाद मैं निकालूंगी एलोवेरा। तो इसके बाद हम एलोवेरा को अच्छे से कट कर लेंगे और इसके अंदर का सारा जेल निकाल लेंगे। अभी ये एरोवेला निकल गया है, एरोवेला निकल कर हो गया है। तो इसके बाद हमें चाहिए नीम के पत्ते, तो यहाँ आप देख सकते हो कि सारे नीम के पत्ते मैंने निकाल कर रख दिए हैं। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, और उसके बाद जो एलोवेरा मैंने निकाला था वो अब मैं इसमें डालूंगी। फिर मैं डालूंगी टर्मरिक पाउडर, तो इसके बाद हमें इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। तो अब ये मिक्सर में ग्राइंड हो चुका है, तो अब इसकी पेस्ट बन गई है, ये देखिए। जो हमारा ग्रेटेड सोप है वो हमें हॉट वाटर में रखना है। तो फिर इसके बाद मेल्ट होने तक इसे ऐसे ही रहने दे। तो अब हम इसमें जो हमारा पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। मैं पेस्ट डालूंगी जो हमने बनाया था, तो आप देख सकते हैं। और फिर हम इसमें लेमन डालेंगे, क्योंकि हमारा सोप इजीली निकल जाए।
उसके बाद हम इसे कंटेनर में डाल लेंगे। इसके ऊपर से लेमन डालेंगे। तो ये हो गया रेडी। फिर इसके बाद हम इसे फ्रीज कर लेंगे। इसके लिए हम इसे फ्रीजर में डालेंगे।